सोमवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जब कहा कि वो कभी लापता नहीं थे तो सभी अवाक रह गए। माहौल थोड़ा सहज और मजाकिया भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आमतौर पर चुनाव आयोग की तिथि घोषित करने के पहले और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद काउंटिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। चूंकि 4 जून को लोकसभा और कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की काउंटिंग होनी है, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को लेकर कुछ मीम्स बने थे जिसमें कहा गया था कि जेंटलमैन लापता हो गए हैं। उन्हीं मीम्स के जवाब में उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही। बहरहाल 4 जून को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर वाले वोटों की गिनती होगी और सुबह 9 बजे से ईवीएम मशीनों वाली वोटों की गिनती शुरू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम भारत के मतदाताओं को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। हमने बुजुर्गों के घर जाकर उनका वोट लिया है। 85 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले मतदाताओं ने घर बैठे वोट दिया है। 1.5 करोड़ मतदाता और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए 135 विशेष ट्रेनों, 4 लाख वाहनों और 1692 फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। 68,763 मॉनिटरिंग टीमें चुनाव की निगरानी में लगी थी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चरणों की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपको लापता जेंटलमैन वापस आ गए मीम्स दिख जाएंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम कभी लापता नहीं थे। भारत में 642 मिलियन मतदाता हैं। ये संख्या विश्व के 27 देशों के वोटर्स से 5 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस चुनाव में 64 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। हमने इस चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने इस चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय चुनाव की सफलता का विस्तार से जिक्र करते हुए सीईसी राजीव कुमार ने सबका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बड़े ब्रांड से लेकर स्टार्टअप तक सभी ने स्वेच्छा से योगदान किया है। मतदान कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि मतदान कर्मी कितनी मुश्किलों का सामना करके वोट कराने जाते हैं। जब उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4 दशक में सर्वाधिक मतदान दर्ज हुआ। घाटी में 58.58% और जम्मू में 51.05% वोटिंग हुई। हमने इसी बुनियाद पर आगे विधानसभा चुनाव कराना तय किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी सफलता की कहानी लिखी गई। सीईसी राजीव कुमार ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए शायरी पढ़ी। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, तुम्हारी बात कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आपको याद होगा कि पहले चुनावों को प्रभावित करने के लिए पैसे और सामान का वितरण होता था। इस बार ना कहीं साड़ी बटी, न कुकर बटा, न शराब और ना ही पैसा बटा। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। कोई ऐसा नहीं बचा जिसका हेलीकॉप्टर चेक न हुआ हो। चुनाव अधिकारियों को हमारी तरफ से संदेश था कि अपना काम करना है, किसी से डरना नहीं है। इसका नतीजा है कि 10,000 करोड़ का अमाउंट पकड़ा गया, जो 2019 में जब्त किए गए मूल्य का लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस तैयारी के पीछे 2 साल की कड़ी मेहनत है। आपको ये सब बताने का मतलब था कि कहीं हमारी ये मेहनत गुम न हो जाए। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।